Salya Murti Niruma इस कलयुग में जब इस भूमि पर तीर्थंकर या भगवान अवतरित नहीं होते हैं, तब कोई विरल ज्ञानी प्रकट होते हैं जो आत्यंतिक मुक्ति की जिन्हें लगन है, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए मूलभूत भगवंतों के हृदय की बात खुली करते हैं। ऐसे ही एक महान ज्ञानी पुरुष परम पूज दादा भगवान हम सब की उपस्थिति में हुए हैं। 1958 के जून महीने में उन्हें सूरत में आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उन्हें जो प्राप्त हुआ वही ज्ञान वे अन्य लोगों को भी सिर्फ 2 ही घंटे में प्राप्त करवाते थे। लगातार 30 साल तक उन्होंने इस अद्भुत आत्मविज्ञान की प्राप्ति हजारों मुमुक्षुओं को करवाई। समस्त विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। समस्त विश्व के जीव सुख और शांति पाएं, समस्त विश्व के जीव मोक्ष पाएं। दादा भगवान के अंतर में उमड़ती इस कल्याणकारी भावना को निष्ठापूर्वक आत्मसात कर लिया पूज्य नीरूमा ने। न भूतो न भविष्यति ऐसे अद्वितीय ज्ञानी पुरुष की सेवा में लगातार 20 साल तक रहकर उनकी कृपाधिकारी बनकर दादा के गजब के आत्मविज्ञान को विश्व के समक्ष रखा पूज्य नीरूमा ने। ऐसी अनुपम और अद्वितीय करुणा मूर्ति सदा जीवंत ही होती हैं, अमर ही होती हैं ना? नानी कभी मरते ही नहीं, जब अंतिम समय आता है तब वो देह छोड़ देते हैं, दूसरे देह में चले जाते हैं। ये जगत कल्याण का कार्य लास्ट अंतिम देह निर्वाण होने तक सिद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां तक ये कल्याण का कार्य उनका अधूरा कभी रहेगा ही नहीं। कल्याण का कार्य करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। देह छोड़ने के टाइम दूसरे देह में आ गए, फिर भी कोई भी मुमुक्षु जन को या भक्त जन को ऐसे कभी उनकी कमी पड़ने नहीं देते, विरह भी नहीं लगने देते। प्रत्येक भक्तजन को ऐसा ही लगता है कि निरुमा हमारे साथ है, है, है ही है। दो दिसंबर 1944 के दिन औरंगाबाद के एक धनवान अमीन परिवार में 5 बेटों के बाद इस लाडली बेटी नीरू का जन्म हुआ। पिता श्री बालू भाई तथा माता विजया बहन ने अत्यंत साधन संपन्न माहौल में बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन किया। नीरू की माता श्री धार्मिक वृत्ति की थीं। दिन में थोड़ा समय वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में बिताती थीं। किंतु नीरू को बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति या क्रिया में रुचि नहीं थी। इस तेजस्वी बालिका को डॉक्टर बनने की तमन्ना थी, किंतु इस कामना में मुख्य भावना थी सेवा की, पैसे कमाने की नहीं। सन 1966 में जब नीरू बहन 21 साल की थी तब उनकी माता को गंभीर बीमारी हो गई। अचानक माँ बहुत बीमार हो गई, सीरियस हो गई। 6 महीने तक वो बिस्तर पे थी, उसको बहुत ही डायरिया होते, दिन में 20-20, 30-30 बार उसको डायरिया होता था, रात भर ही होता था, दिन में भी होता था। पता नहीं क्या अंदर से हो गया कि माँ की सेवा करने का जबरदस्त भाव हो गया और बिल्कुल मन में कोई खराब भाव नहीं होता था, क्रोध नहीं आता था,
और बिल्कुल मुंह भी नहीं बिगड़ता था, कटाला नहीं आता था, माँ का सब कुछ बिस्तर पे ही करना पड़ता था और टॉयलेट वगैरह सब भी साफ निर्बहन करती थी। 6 महीने तक इस तरह से करने के बाद उसका मृत्यु हुआ तो उसको बहुत संतोष हुआ था। वो खुशी होके कहती थी कि मैं जो चाहती थी वही मेरी बेटी ने किया। इस प्रकार माता की सेवा करने से नीरू बहन में गजब का परिवर्तन आया और उनमें सेवा भाव पुष्ट हुआ। सन 1968 में जब नीरू बहन फाइनल MBBS में पढ़ती थी तब उन्होंने प्रथम बार दादाश्री के बारे में सुना कि बड़ौदा में एक ज्ञानी पुरुष रहते हैं जो मात्र 2 घंटों में आत्मा का अनुभव करवाते हैं, उसके बाद सुख दुख स्पर्श नहीं करते और संसार में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव होता है। ये बात नीरू बहन के दिल को छू गई। उन्होंने अपने दिल में दादाश्री के प्रति गजब के खिंचाव का अनुभव किया और उन्हें उनसे मिलने की तीव्र तमन्ना जाग उठी। सन 1968 में 2 जून के दिन नीरू बहन ने पहली बार बड़ौदा में मामा की पोड़ में दादाश्री के दर्शन किए। उन्हें देखते ही जैसे जन्मों की पहचान हो ऐसा लगा। दादाश्री की तथा उनकी धर्मपत्नी हीराबा की मरते दम तक निस्वार्थ सेवा करने का भाव उनके अंतर में जागा। पहली मुलाकात में ही दादाश्री को हृदय पूर्वक समर्पित हो जाने के बाद तारीख 8 जुलाई 1958 के दिन प्रकट परमात्मा दादा भगवान के पास से नीरू बहन को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। 2 ही घंटे में हमको ऐसा ज्ञान दिया कि उससे बाद हमको यह महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा कि यह शरीर अलग है और मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ और जो भी कुछ हो रहा है सुख दुख संसार के वो सब इस नीरू बहन को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तो यह अवेयरनेस कांस्टेंट ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रहने लगी तो यह बहुत अजायब भी लगी हमको। और ऐसी भावना रही कि हर किसी को यह ज्ञान मिले, हर किसी को यह शांति मिल जाए, हर कोई ये मार्ग में आगे बढ़े तो उसका जीवन धन्य हो जाए। अब नीरू बहन में ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की उत्कंठा जागी। उनके जीवन का सारा ध्येय ही बदल गया। जिस देह मंदिर में परमात्मा प्रकट हुए हैं उनकी सेवा में सर्वस्व अर्पण करके लोगों तक ये विज्ञान पहुंचाने में सहायक होने का उन्होंने निर्णय किया। इस प्रकार नीरू बहन के दादामय जीवन की शुरुआत हुई। जहां कहीं दादाश्री का सत्संग कार्यक्रम हो नीरू बहन उनके साथ ही होती। मात्र 23 साल की उम्र में दादाश्री की विशेष कृपा उन पर उतरी और उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत मिला। મારે દાદા 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 બહુ રહેતું હતું, જુલાઈમાં જ્ઞાન લીધું હતું, પછી સામેથી દાદા મને કહે છે લે નીરુ અહીંયા કે છે નીરુ લે વિધિ કરી લે અમે તને બ્રહ્મચર્યનું વ્રત આપીએ છીએ કે છે। મને તો ખબર રહે નહીં બ્રહ્મચર્યનું શું છે ને શું નહીં, સામેથી કહ્યું પછી કે 2 વર્ષનું આપીએ છીએ તને। હા મને તો દાદો હો બહુ સારું, બહુ ધનભાગ મારા ધનભાગ હો દાદા, એ મને શું કહ્યું પછી વિધિ આપી તો જબરજસ્ત પાવર, એટલો બધો પાવર હતો, ફર્સ્ટ બ્રહ્મચર્યની વિધિ નીરુબેનને મળેલી। 2 વર્ષ પછી મેં કહું કે આપણે દાદા પાસે જઈએ રિન્યુ કરાવવા આગળનું, દાદા હવે મને 2 વર્ષ પૂરા થયા મને આગળની વિધિ કરી આલો। સારું કે છે તને કેટલા વખત હું બ્રહ્મચર્ય આપીએ કહું, હા તો તને આજીવન આપી દે ચાલ કે છે। પછી મેં કહ્યું દાદા મારે આજીવન જ જોઈતું, મારે ઠેઠ મોક્ષે જતા સુધી જોઈએ છે। ऐसे में 1968 के दिसंबर के महीने की बात है, नीरू बहन के पिताश्री बालू भाई का देह विलय हुआ।
ऐसे दुखद अवसर पर दादाश्री ने नीरू बहन के सिर पर हाथ रखकर उनकी जीवन भर की जिम्मेदारी ली। 68 ની વાત છે, ત્યાંથી ઔરંગાબાદથી શિબિર કરીને બધા પાછા આવ્યા હતા, નિર્બેન દાદા સાથે જ આવ્યા હતા વડોદરામાં, ત્યાં ટેલિગ્રામ આવ્યો હતો બાલુએ એક્સપાયર કરીને. પછી અમે જવા નીકળ્યા ત્યારે દાદાએ નિર્બેન આમ બાથમાં લીધા અને કે જા, કે છે આજથી તારો બાપ હું એમ છું, કે છે આજથી તારો બાપ હું છું એમ. કે एक तरफ नीरू बहन इस प्रकार स्वयं की आत्मज्योति पूर्ण प्रकाशित हो ऐसा अमूल्य ज्ञान सिंचन पा रही थी, तो दूसरी ओर दादाश्री की कृपा प्राप्त करके एक दूसरा दीपक भी प्रकट हो रहा था। सन 1971 में 17 वर्ष की आयु में जब दीपक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब वे दादाश्री का सत्संग सुनने जाने लगे। शांत और सरल स्वभाव के दीपक भाई को सत्संग बहुत अच्छा लगता और उन्हें बहुत आनंद आता था। नीरू माँ को MBBS की एग्जाम देनी थी, औरंगाबाद जाना हुआ था, तो नीरू माँ ने मुझे बताया, तुझे दादाजी की वाणी लिखने में आसान पड़ेगा तो तू लिखेगा। नीरू माँ की एक विशेषता यह है, किसी को भी दादा के ज्ञान में चिपकाना है तो ऐसे कुछ काम की जवाबदारी दे देते थे, तो ऐसी जवाबदारी मुझे उन्होंने दे दी कि तुझे ये ज्ञानी की वाणी लिखनी है। और दादाजी जो बोलते थे सत्संग में, प्रश्नोत्तरी सत्संग होते रहता था, उस टाइम पे मुझे साइड में बैठ के
दादाजी की वाणी किताब में मैं लिखते रहता था, और वहां से जो निरुमा ने काम सौंपा जिम्मेदारी वाला, वहां से मुझे ये काम में भी लगाव रहा और मेरी एक प्रकृति में सिंसियरिटी थी, तो रोज मैं जाके दादाजी की वाणी लिखते रहता था। निरुमा दादाजी की सेवा में दिन रात रहते थे, तो मेरा कुछ भी व्यवहारिक कार्य होगा, मुझे व्यवहारिक कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं निरुमा से पूछ लेता था, और दादाजी को तो प्रणाम करना, नमस्कार करना, परमात्मा स्वरूप देखना, व्यवहार में इनको कभी इन्वॉल्व भी नहीं करता था। निरुमा से व्यवहार की बात पूछता था, दादाजी का सत्संग पूरा हो गया, बाद में निरुमा के साथ सत्संग की बातें करता था मैं। उस टाइम पे कभी निरुमा ने मुझे दादाजी के बारे में यानी ज्ञानी पुरुष के बारे में बहुत बहुत जानकारी दी, ताकि मुझे ज्ञानी पुरुष के प्रति अत्यंत अहोभाव भक्तिभाव शुरू हो गए। दादाजी की जगत कल्याण की भावना के बारे में भी बात बताई, तब से मुझे यही हुआ कि ऐसी जगत कल्याण की भावना भी मुझे करनी चाहिए। बाद में ब्रह्मचर्य की बात भी निरुमा ने मुझे बताई थी, तो तब से यही भावना हो गई कि एक वाइफ और एक बच्चे के लिए सारी जिंदगी गुजारनी नहीं है, मुझे जगत कल्याण का ही कार्य करना है। दादाश्री के अंतर में एक ही भावना थी कि किस प्रकार लोग ये आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ें। लोगों को ज्ञान प्राप्त कराने में नीरू बहन जगत कल्याण का एक उत्कृष्ट निमित्त बनेंगी, ऐसा विश्वास होने के कारण दादाश्री ने नीरू बहन का चरित्र निर्माण किया। क्रोध, विषय, मान, कपट, मोह, लोभ जैसे दोष एक एक करके खत्म होते गए। हमको इस तरह से दादाजी ने ऐसे सब लेसन दिए थे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब हमसे मिले थे तो हमारी उम्र सिर्फ 23 साल की थी, मेडिकल के आखिरी साल में पढ़ते थे, और हमने तो भावना व्यक्त की कि हमें तो जीवन में यही अच्छा लगता है और कुछ नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए और आपकी सेवा चाहिए, हम आपके चरणों में रहकर सेवा करना चाहते हैं, ऐसी भावना व्यक्त की। तब उन्होंने हमको सबसे पहला लेसन दिया ब्रह्मचर्य का, फिर दूसरा लेसन आया इस संसार के किसी चीज़ की कामना न को, लक्ष्मी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, जो हो जिस जो जरूरियात है वो आप वाप आ ही जाती है। तो हमारा तो कुदरती सेटिंग ही था, पिताजी हमारे जमाने में मल्टी मिलियनर थे, उन्होंने हमारा हिस्सा पेड़ी में पहले से पैदा हुए तब से रख दिया था, तो सालियाना आते ही रहता है, आज भी आते रहता है, बढ़ते गया है, तो वो भी दिमाग में कभी आया नहीं, खुद भी तो नेचुरली हम लेके आए थे। और तीसरा मान का, उन्होंने कहा कि ये भी इतना ज़रूरी है, उन्होंने कहा इसके लिए हम आपको हीट ट्रीटमेंट में डालेंगे, हीट ट्रीटमेंट दी थी हमको, बड़े फर्नेस में डालते थे, यानी भरी सभा में अपमान कर देते थे, कहते थे निर्मल तुमको क्या आता है, कुछ आता तो नहीं है आपको, आपने आपको किसने डॉक्टर बनाया, कुछ आता नहीं है, सबके सामने ऐसा बोले तो कितना अपमान जैसा लगता है। उस समय आग जागृति में रहना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और ये जो अंदर जलन होती है, दुख होता है, किसको होता है, अहंकार को होता है, मुझे नहीं होता है, जिससे मैं छूटना चाहता हूँ उसको तो ये ज्ञानी बड़ी कृपा करके छुड़ा रहे हैं। तो अंदर आनंद आनंद लगता है कि वाह वाह, ये हमारा मान रूपी दोष, अहंकार रूपी दुर्गुण को तोड़ने के लिए इन्होंने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया। दादाश्री को जो चाहिए वो उनके मांगे बिना ही नीरू बहन खुद की गजब की सूझबूझ से हाजिर कर देती थीं। दादाश्री को उनके स्वास्थ्य एवं रुचि के अनुसार भोजन वे बहुत ध्यान पूर्वक हमेशा बनाती थीं। दादाश्री की हरेक सेवा में नीरू बहन हमेशा उपस्थित ही होती। दादाजी के स्वास्थ्य का भी वे पूरा पूरा ख्याल रखती थीं, मानो अपनी ही देह न हो। इस अद्वितीय ज्ञानी के वचन भविष्य में लोगों को सुलभ हो सकें, ऐसा दृष्टि में रखकर उनकी ज्ञानवाणी का प्रत्येक शब्द टेप किया और अपनी ओर से एक भी शब्द डाले बिना
दादाश्री की वाणी जैसी थी वैसी ही विविध किताबों के रूप में प्रकट की। सर्वदा सद्गुणों को ग्रहण करने वाली उनकी निर्मल दृष्टि को दादाश्री की वाणी या व्यवहार में कभी भी दोष नहीं दिखा था। दादाश्री के किसी भी व्यवहार में उन्हें ज्ञानी पुरुष की संपूर्ण वीतरागता और करुणा ही उमड़ती नजर आती थी। एक बार लॉस एंजलिस में दादाश्री ने नीरू बहन से अत्यंत प्रेम पूर्वक एक चीज मांगी। હું એક વસ્તુ માગું તો તું મને આપશો એમ કે તમે કહું કે હા દાદા તમે માગો એ બહુ ધનભાગ મારે તમે માગો ને હું ના આપું ચૌદ લોકનો નાથ કોઈ પણ માગતો હશે આજે પહેલી વાર મારી પાસે માગે છે એટલે અમે આમ પચામ હાથ કરીને કહે છે અમે બે એકલા જ હતા હા તમે કોઈ બધું સર્વસ્વ આપું દાદા તમને કે એમ બધેથી મો ઉઠાઈને એક મારામાં જ મૂકી દો કે છે દાદા પ્રત્યેનું જે હતું એ આખું આખું જુદું જ પછી થયું ત્યાં પણ અહો થતું હતું ને એ કંઈ ઓર જ પ્રકારનું થયું બહુ જ અને બહુ જ લાગ્યું કેટલો મોટો ઉપકાર કર્યો એમ લાગ્યું કેટલી સારું આપણને આવું કર્યું આપણા માટે। नीरू बहन ज्ञान श्रेणी की चरम कक्षा तक पहुंचे इस हेतु से दादाश्री ने नीरू बहन से सर्व प्रकार के मोह का समर्पण करवाया। नीरू बहन सन 1968 से सन 1988 तक पूरे 20 वर्ष तक दादाश्री के साथ गांव-गांव और देश विदेश में घूमकर उनकी सेवा में रहीं। नीरू बहन की सेवा से संतृप्त होकर दादाश्री ने उनसे कहा था, नीरू बहन आपने मां की तरह हमारी देखभाल की है और बेटी की तरह सेवा की है। 1987 में दादाश्री की सेहत बहुत नाजुक रहने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादाश्री के अंतर की भावना थी कि इस अद्भुत अक्रम विज्ञान की लिंक जारी रहे। जो व्यक्ति दादाश्री के भक्तिभाव में निरंतर हो, जिसने दादाश्री के ज्ञान के और व्यवहार के सभी सिद्धांत पूरी तरह समझकर अपने जीवन में उतारे हों, दादाश्री का कृपा पात्र बनकर जिसका रोम रोम दादामय बन चुका हो, ऐसा व्यक्ति ही ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के योग्य कहा जा सकता था। ये सब ध्यान में रखकर दादाश्री ने अपनी कृपा दृष्टि नीरू बहन पर की और लोगों को आत्मज्ञान प्रदान करने की ज्ञान सिद्धि नीरू बहन को दी। और उसके लिए कृपा भी बहुत रहती थी। कहते थे दादाजी हमेशा कि हमारी आप पर बहुत कृपा है, हम आपसे बहुत राजी है, आप हम हमारे कृपा पात्र बने हैं क्योंकि हमारी प्रकृति हमारा ज्ञान ये सब आप खूब पूरी तरह से पहचान गए हो और हमें आपसे बहुत आशा है कि आप जगत का कार्य करोगे, जो हम संदेशा जगत को देना चाहते हैं आप सबको दोगे। ऐसा करके उन्होंने हमको स्पेशल आशीर्वाद दिया था, सिद्धि दी थी कि ये ज्ञान सारे जगत में फैलाओ, लोगों के तमाम दुखों से लोगों को मुक्त करो, ऐसा रास्ता बताओ। जगत कल्याण का कार्य अधिक से अधिक हो सके इसलिए दादाश्री ने दीपक भाई को भी सत्संग करने की सिद्धि दी। और उस दिन दादाजी ने स्पेशल सिद्धि की विधि की। 10-15 मिनट तक वो विधि चली भी थी। उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिए कि तुझे सभी के साथ सत्संग करना है, मगर उस टाइम पे तुझे ये वाणी सुननी है कि ये वाणी का तू ज्ञाता दृष्टा रहना है और ये वाणी दादा भगवान ही बोलेंगे और तुझे भी ये वाणी सुननी है और ये वाणी क्या निकल रही है उसे तुझे जानना ही है, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है।
और ये भी साथ में बताया था कि ये वाणी सुनते सुनते ही तेरी पूर्णा होती हो जाएगी। मुझे जब विधि की दादाजी ने सिद्धि की उस टाइम पे मुझे बहुत अनोखा अनुभव हुआ और बाद में भीतर की दशा भी मेरी टोटल चेंज हो गई थी। और सत्संग की आज्ञा दादाजी ने दी, सत्संग सभी के साथ करता भी था, मगर ये दीपक बोल रहा है मैं बोलता हूँ ऐसे भीतर में कभी नहीं हुआ। और दीपक की जो वाणी निकल रही है उसके पीछे दादाजी का ज्ञान, दादाजी ही बोल रहे हैं ऐसे अनुभव में आने लगा। दादाजी ने निरुमा के लिए भी सिद्धि की विधि की थी और निरुमा के लिए दादाजी ने दो तीन और भी बातें बताई थी कि आपको ये सत्संग भी करना है और सभी को ज्ञान भी देना है। यह बात भी दादाजी ने बताई थी कि आपको कोई ज्ञान विधि के लिए किसी को तैयार भी करना है। दादा मैं बनकर उनके आश्रय में ही प्रत्येक श्वास लेने वाली नीरू बहन दादाश्री को बार बार कहा करती थी, दादा जगत कल्याण आपके हाथों ही होने वाला है, मुझे विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा। किंतु काल की गति को कोई किस तरह रोक सकता है। 2 जनवरी 1988 ज्ञानी पुरुष A.M. पटेल के जीवन का अंतिम दिन बन गया। एक मिनट सेकंड टू सेकंड दादा ने सानिध्य में आ जाता है एटे जे जे खाली पो लागो ने ए बहु मोटो लागेलो એટલે એ ખાલી પાની અસર ચાલતી હતી। પછી એમાં પછી રાત્રે 12 વાગે તે દિવસે રાત્રે 12 વાગે 12 વાગે હશે ઊંઘમાંથી એકદમ જરાક ઝોકું આવી ગયું હશે એમાં જે ઝોકામાંથી આંખ ખુલીને ત્યારે એકદમ દાદાનો અવાજ ચાલુ થઈ ગયો કે તું શું કરા ફિકર કરે છે, હું છું ને તારી જોડે, તું તારું કામ કરે જા, તું શું કરા ફિકર કરે છે, હું છું ને તારી જોડે, તું તારું કામ કરે જા, નોન સ્ટોપ ચાલુ થઈ ગયું। નીરુબહેનને દાદાશ્રી કે જગત કલ્યાણ કે કાર્ય કી શરૂઆત मुंबई में दादर में मिस्त्री बिल्डिंग से की। शुरुआत में किसी भी प्रकार की सुविधाओं का विचार किए बिना परेशानी उठाकर भी वे छोटे बड़े गांवों में और शहरों में सत्संग के लिए अति उत्साह पूर्वक निकल पड़ी। नीरू बहन की ऐसी शुद्ध हृदय की कल्याण भावना और संपूर्ण समर्पण के कारण देखते ही देखते उन्हें सुंदर प्रतिसाद मिलने लगा। अरे पछी जा दादा ने जम पामता गया, लोको दादा ने एक्सेप्ट करता गया, दादा ने ज्ञान बधा ने परिणाम तो गयो, ये जोने तो मने अमन आनंद आनंद था गो। दादा खरेखर कहता था कि हूँ जोड़े छू तू तारू काम करे जा, तो ये ज करी रहा छे हम लोग, दादा ज करे छे। મારા દાદા આવે છે, દાદાજી આવે છે, અરે ગામ ગામ થી દૂર દૂર થી મહાત્માઓ આવે છે, સત્સંગ શિબિર કેરા એ રંગ જમાવે છે, ઓ મારા દાદા આવે છે, દાદાજી આવે છે, जैसे जैसे उनके श्रीमुख से लोग दादाश्री की बातें सुनने लगे और स्वीकारने लगे, वैसे वैसे ही लोगों के जीवन में बैर और कटुता मिटने लगी और सुख शांति फैलती गई। सन 1987 में दादाश्री ने उन्हें कहा था, नीरू बहन आपको सारे विश्व की मां बनना है। नीरू बहन अब लोगों के लिए श्रद्धा की प्रतिमा बन गई थी।
उनका शुद्ध वात्सल्य भाव लोगों के हृदय को स्पर्श करने लगा। लोग अब नीरू बहन को खुद की माँ हो उस तरह प्रेम से नीरू माँ कहकर बुलाने लगे। एमए पाछे आपड़े यहाँ तो मारी माँ छे, એટલે માં કરીને જે કરું એ કરો, છોકરાને છૂટ છે। लोगों का प्रेम और सहयोग नीरू माँ को मिलने लगा और नीरू माँ दादाश्री के अंतर की इच्छाएं साकार करने लगी। सन 1993 में सभी ब्रह्मचारी युवक एक साथ रह सकें तथा नियमित सत्संग कार्यक्रम हो सकें, ऐसी व्यवस्था प्रथम बार अहमदाबाद में वरुण अपार्टमेंट्स में हुई। इस व्यवस्था को सभी ने सराहा। नीरू माँ के श्रीमुख से बहती दादाश्री की वाणी को सुनने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आने वाले मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार बड़ी जगह की जरूरत पड़ी और थोड़े ही समय में दादा परिवार अहमदाबाद में दादा दर्शन में आ गया। समग्र विश्व को टेलीविजन के माध्यम से नीरू माँ ने दादाश्री के अक्रम विज्ञान की पहचान करवाई। बालक, युवक या फिर वृद्ध कोई भी हो, नीरू माँ की बातें हरेक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने लगी। नीरू माँ हरेक के दिल में बस गई। मने अंदर भाव था, वो बोलू नहीं पर अंदर मन में रहे। दादा ने गया पछी तो खास रहे, कहूँ खरी मन में दादा ने कि दादा हूँ तो आईश, तो तब मैंने लई जवानी जवाबदारी लीधी है, पर हूँ एकली नहीं आओ, पर तमारी पाछा बधाने लईने आईश। ए मने बहु रहा करे, मारे एकलाय नथी आवुं दादा, ए तो तमे जवाबदारी लीधी एटले मारे तो एनी निश्चिंती थई गई छे। બધાને લઈ જવું છે, બધાએ આ બધાએ શું ગુનો કર્યો, તમને મળ્યા નહીં પણ તમે હતા ત્યારે બધા હતા તો ખરા જ ને, શું કામ ચૂકી જાય એટલે એ દાદાએ ખૂબ પ્રેમથી પાછળના બધા મહાત્માનું રક્ષણ કરે જ છે, બધી જ રીતે જવાબદારી દાદા સ્વીકારે જ છે, કોઈને છોડવાના નથી દાદા। પછી આ જ એક દેખાયા કરે, રહી રહીને એક જ દયા કરે, એ વખતે મને અંદર એટલું બધું હોય કે આ આ કેમ કરીને આમાંથી બહાર નીકળે, કેમ કરીને આ માર્ગમાં આગળ વધે, આ ઊંધા પાછા ઊંધા ચાલી રહ્યા છે, એમાંથી પાછા વળે, અને પછી મારા લક્ષમાં જ હોય એ વ્યક્તિ, મારા લક્ષમાં જ હોય, ક્યારે ક્યારે એવો સંજોગ આવે સામે ચાલીને કે એને એનું આ
કચરો નીકળી જાય, પછી જે રીતે મને ફાવે એ રીતે એને પછી એ કશું ના હોય, ખકડાઈને હોય કે પ્રેમથી હોય કે વાળી લઈને હોય, પ્રેમ તો અંદર ભારોભાર હોય, અને આ જબરજસ્ત હોય કે કેમ કરીને પાછું નીકળે, આવું સરસ વિજ્ઞાન મળ્યું છે, આટલા આટલા આગળ ચાલ્યા છે, ને પછી શું આ પાછું પડપડ પડવાની વાતો. એ મેં બહુ તપાસ કરેલી ગમેની અંદર અંદર આમના અંદર થયા કરે કે અરે આટલું કામ પાછું પડીશું, કામ પાછું પડે, આવું સરસ છે. लोगों तक दादाजी की बातें पहुंचाने तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाने के लिए नीरूमा भारत के कोने कोने में पहुंच गई. उन्होंने लोगों के अध्यात्म और व्यवहार लक्षी प्रश्नों के सटीक समाधान दिए और ज्ञान विधि द्वारा आत्मा का अनुभव करवाया. उनकी सत्संग यात्राएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थीं. इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, दुबई, मस्कत, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग राष्ट्रों में पहुंचकर विश्व भर में उन्होंने दादाश्री का विज्ञान पहुंचाया. बाद में सन 2002 में नीरूमा ने दादाश्री का स्वप्न संपूर्ण रूप से साकार करने के लिए अडालज में एक भव्य निष्पक्षपाती धर्म संकुल का निर्माण करवाया. नीरूमा के आदर्श मार्गदर्शन में दुनिया के तमाम धर्मों के प्रति दादाश्री की निष्पक्षपाती दृष्टि के प्रतीक के रूप में त्रिमंदिरों का निर्माण हुआ. दादाश्री के अंतर की भावना थी कि मोक्ष के ध्येय वाले सभी महात्मा एक साथ रह सकें, ऐसा कोई नगर हो तो सबको वहां दादाश्री की आज्ञा का पालन करने में सरलता रहे. नीरूमा ने दादाश्री की इस भावना को अडालज में सीमंधर सिटी के रूप में साकार किया. भव्य त्रिमंदिर, विशाल सत्संग हॉल, विश्राम गृह, भोजनशाला, गुरुकुल, अस्पताल, बैंक, रेस्टोरेंट आदि की इस संकुल में व्यवस्था की गई. जीवन को सार्थक करते इस मंगल वातावरण में शांतिपूर्वक रह सकें, इसके लिए जीवन की संध्या में पहुंचे बुजुर्गों के लिए निरांत नाम के आवास का निर्माण हुआ. इस प्रकार दादाश्री की प्रत्येक भावना
નીરૂ માં કે નિમિત્ત સે હુબહુ સાકાર હુઈ। नीरू माँ ने दादाश्री के जगत कल्याण के प्रोजेक्ट में तन मन धन से समर्पित हुए ब्रह्मचारी भाई बहनों का एक माँ की भांति अत्यंत प्रेम से चरित्र निर्माण किया। दादाश्री की इच्छा थी कि दीपक भाई भी लोगों को ज्ञान देने के लिए तैयार हों। नीरू माँ ने दादाश्री की ये इच्छा भी पूर्ण की। स्वयं की स्थूल अनुपस्थिति में ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ा सके ऐसे समर्थ वारिस की तरह उन्होंने दीपक भाई को तैयार किया और लोगों को आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए ज्ञान सिद्धि दी। इस प्रकार सन 2003 से जगत कल्याण का मिशन नीरू माँ और दीपक भाई दोनों द्वारा आगे बढ़ने लगा और समग्र विश्व में फैलने लगा। दादाश्री खुद उपस्थित रहकर ही ये सब करवा रहे हैं। जगत कल्याण का सारा काम उनकी ही शक्ति से चल रहा है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा उनके हृदय में थी। दादाश्री को प्रकट हुए गूढ़ तत्व ज्ञान को आप्तवाणी की 14 श्रेणियों रूपी ज्ञान ग्रंथों में प्रकट करने का दादाश्री को जो वचन दिया था वो भी निभाया। दादाश्री जब उनका देह विलय हुआ तो उन्होंने हमको बताया था कि हम कहाँ भी नहीं जाने वाले हैं, हम तो हर आप सबके अंदर ही, सारे भक्तों के अंदर ही हम सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान हो जाएंगे।
और आपको हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे। यहाँ तक कि जो भी कुछ हम कोई भी हमें याद करेगा, हमारी आज्ञा को फॉलो करेगा, हमारे ज्ञान को फॉलो करेगा, उसके लिए हम हाजिर ही है। तो ये अक्रम विज्ञान तो बहुत पावरफुल है। दादाश्री ने तो परोक्ष को उड़ा दिया, प्रत्यक्षता का उन्होंने बहुत अनुभव दिया है, परचा दिया है। क्रमिक मार्ग में जो परोक्ष नहीं चलते, लेकिन अक्रम में तो दादाजी ने यह है तो महावरा तोड़ दिया है, आश्चर्य सर्जित किया है। क्या कि उनके जाने के बाद भी आज लाखों लोगों को उनका ज्ञान, उनकी आज्ञा उतना ही फायदा देती है जितना उनके हाजिरी में देता था। हाँ, कोई प्रत्यक्ष माध्यम चाहिए जो हम है आप सबके लिए, लेकिन ज्ञान सब उनका ही है, पावर सब उनका ही है, हम तो सिर्फ मीडियम है। और शादी करने के समय गुरु महाराज जो रहते हैं ना, आप तो मंत्र पढ़ते अष्टम पष्टम फिर आते हैं, ऐसा हम उतना करते हैं। प्रत्यक्ष में कोई चाहिए, बाकी मसल ज्ञान तो उनका ही है, उनका पावर ही है। और वो पावर आज तक यहाँ सबको अनुभव भी है। जो भी कोई उनको याद करता है, उनको दिल से याद करता है, हर मुसीबत में वो हाजिर हो जाते हैं और रास्ता दिखा देते हैं। कई लोगों को तो सपने में आते हैं और सॉल्यूशन दे देते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को तो सपने में आकर आत्मा का ज्ञान भी दे दिया है। उतना जिस तरह से वो थे तब देते थे, उसी तरह से सपने में एग्जैक्ट डिटो डिटो दे जाते हैं। ये किस तरह से पॉसिबल है, सब आश्चर्य लगता है। जिसने दादाजी को देखा भी नहीं, उसको इस तरह से ज्ञान का अनुभव होता है, एग्जैक्ट वर्णन होता है, करते हैं सब, और सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। हरेक को आत्मस्वरूप देखकर मोक्ष मार्ग की ओर मोड़ने की करुणा बरसाने वाली निरुमा प्रेम स्वरूप ही हो गई थी, इसीलिए सबको वे अपनी ही लगती। हरेक को यही लगता कि निरुमा मेरी ही है। जान में फुलड़ा जंखे चे जननी एक जलागने ज्ञान दूधे पोषा घाणा बाल को छे तामने वासल्य मूर्ति तमे एक ज मा अमने बालक ने मानु मिलन बालक ने मानु मिलन हैयानु हेतवाहन छलकंता दूब शुक्ले चेतन नी महकी मौसम लखरे चोराशीनी टड़ी गई स्पंदना चिरंतन चेतना सहजात्म स्फुरणा अमर अम्बलाल ना दादा भगवान ना वाणी कीर्ण जवाड़े चौखंड ब्रह्मांड ना। भाई मने के क्या निरुमा ने जो छू ने मने मारा माँ याद आवे छे, माँ जे वात देखा छे। अभी बताने प्रेम ज आपा निकला छे, शुद्ध प्रेम। બીજું તો શું આપવાનું લેવાનું કંઈ છે નહીં સંસારમાં, તો બધા પાસે બધું છે, અમારે કશું કોઈ પાસે જોઈતું નથી। તમારે બધું શું જોઈએ છે, પ્રેમ જોઈએ છે શું? અને આ જ્ઞાન તો આપીએ જ છીએ, પણ એની સાથે પ્રેમ હોય ને તો અંદર જબરદસ્ત આપણે હું પ્રેમ છે। મારી પાછળ કોઈ ગમે એવી મુશ્કેલી આવશે તો મને રસ્તો બતાડનાર છે, ખરે ટાઈમે હાજર છે। બીજું તમે કાંઈ તમને એવો રસ્તો બતાડી કે તમને બહુ શાંતિ થઈ જાય અને ક્યાંય તમને ગરમ ના બંધાવા દઈએ। રસ્તો તો બધા બતાવતા હોય છે તમારા વ્યવહારમાં સલાહકારો બધા, પણ અમે એવો રસ્તો બતાડીએ, એવું દ્રષ્ટિ આપીએ કે જેથી કરીને તમને કર્મ ના બંધાવા દે અને પાર નીકળવા સોલ્યુશન લાવી આપે તમારા પ્રોબ્લેમમાંથી।
અમારી દ્રષ્ટિ એક હોય, એ જ તરફ હોય કે તમે કર્મ ના બંધાય, છૂટી જાઓ સંસારમાંથી, આ કર્મોમાંથી, એ અમારું મુખ્ય ધ્યેય હોય. અંતિમ દિનોમાં જબ ઉન્હેં કેન્સર હુઆ તબ ભી દેહ કી વો અસહનીય દુઃખ યા પીડા ઉન્હેં સ્પર્શ નહીં કર સકી. દાદાશ્રી કો મિલને કે બાદ નીરુમા કી શરૂ સે હી એસી દ્રઢ ભાવના થી કે ઇસી જન્મ મેં આત્મા કા સ્પષ્ટ વેદન પ્રાપ્ત હો. ઉનકી યે ભાવના પૂરી હુઈ ઇસી જન્મ મેં જબ વે આત્મા કી સંપૂર્ણ અનુભવ દશા તક પહોંચી. વે કહેતી મુઝે ઇસ દેહ કી પીડા લાખો મીલ દૂર લગતી હૈ, મેં કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ હું, એસા અખંડ અનુભવ હમેં નિરંતર રહેતા હૈ. એસી હમ સબ કી પ્યારી નીરુમા અપના પૂરા જીવન પ્રેમ સ્વરૂપ બનકર જી ગઈ. સમગ્ર વિશ્વ પર એક માં કા પ્રેમ બરસાકર હર કિસી કે હૃદય મેં વાત્સલ્ય મૂર્તિ બનકર છા ગઈ. ઉનકા અંતિમ સંદેશ હમ સબ કે લિયે યહી થા કે સબ એક સાથ મિલજુલ કર પ્રેમ સે રહેના. પ્રેમ થી રહેજો. પ્રોમિસ. કભી બઢે ઘટે નહીં એસા શુદ્ધ પ્રેમ ઉનકે જીવન કા સાર થા. આજ ભી નીરુમા હમ સબ પર પ્રેમ કી વાત્સલ્ય ધારા બરસા રહી હૈ. સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સે ઉનકી ઉપસ્થિતિ આજ ભી અનુભવ મેં આતી હૈ ઔર ઉસી પ્રેમ કી દિવ્ય અનુભૂતિ હોતી હૈ. દાદાશ્રીને અંતિમ દિનોમાં નિરુમા કો યે બતાયા થા કે હમ કહી ભી જાને વાલે નહીં, આપકે ભીતર મેં હી બેઠ જાયેંગે. ઔર વહી સંદેશા નિરુમા ને ભી મુઝે બતાયા થા. સભી મહાત્મા જબ ઉનકો અમેરિકા મેં લેકે જાતે થે, લાસ્ટ દિન ઇન્ડિયા સે અમેરિકા જા રહે થે નિરુમા, ઉસ ટાઈમ પે ઇનોને મુઝે બતાયા રાત કો કે જા સભી મહાત્મા કો યે સંદેશા દે, નિરુમા કહીં ભી જાયેંગે નહીં, સિમંદર સિટી મેં હમેશા રહેંગે, આપ સબ લોગ દાદા કા કાર્ય કરતે હી રહો. ઔર સચમુચ સભી કો યહી અનુભવ મેં આતા હૈ કે નિરુમા કહીં ભી ગયે નહીં, દાદા કા કાર્ય હમ જો કરતે રહેતે હૈ, નિરુમા કી સૂક્ષ્મ પ્રેરણા, નિરુમા કી સૂક્ષ્મ હાજરી હમે નિરંતર અનુભવ મેં આતી હી હૈ. જો દાદાજી જ્ઞાન દેતે થે એસા હી જ્ઞાન નિરુમા ભી દેતે થે, ઔર વહી જ્ઞાન દેને કે લિયે મુઝે ભી તૈયાર કિયા. ઔર મુઝે ભી 2003 મેં નિરુમા ને યહી જ્ઞાન વિધિ કે લિયે આશીર્વાદ દિયે થે કે તુઝે ભી યે જ્ઞાન દેના હૈ. હા, ઉસ ટાઈમ પે મુઝે એસા ભી બતાયા થા કે આપકો યે જ્ઞાન દેના હૈ સભી કો, ઉસ ટાઈમ પે મેં હાજર રહૂંગી હી, આપકે સાથ મેં હી રહૂંગી. ઔર સભી કો યહ અનુભવ મેં ભી આતા હૈ કે જબી ભી જ્ઞાન વિધિ હોતી હૈ તબ સૂક્ષ્મ મેં નિરુમા યા તો દાદા ભગવાન હાજર હોતે હી હૈ. કિસી બહોત લોગ એસે ભી અનુભવ બતાતે હૈ કે જબ હમ આંખ બંધ કર દેતે હૈ તો હમે દાદા ભગવાન યા નિરુમા દિખતે હૈ, જબ આપ આંખ ખોલતે હૈ તો આપ દીપકભાઈ હમે સામે દિખતે હૈ. કઈ લોગો કો નિરુમા સ્વપ્ન દ્વારા યહ સંકેત ભી દેતે હૈ, યે ફિઝિકલ બોડી મેરા નહીં થા, યે સ્વરૂપ મેરા નહીં હૈ, મેં દૂસરે સ્વરૂપ મેં હું, મેરા સ્વરૂપ અલગ હી હૈ. ઔર હમ ભી એસે તો બોલતે હી હૈ, નિરુમા ને સ્થૂલ શરીર છોડ દિયા તો સ્થૂલ શરીર વો ખુદ નહીં થે, વો ખુદ અલગ હી થે, જો સ્વયં થે વો તો હૈ હી હૈ, દૂસરી જગહ પે હૈ, દૂસરે દેહ મેં હૈ. જૈસે કિરાયે કી ગાડી રહેતી હૈ, આદમી છોડ દેગા ઔર નહીં રોલ્સ રોયસ મેં બેઠે તો આદમી તો હૈ હી હૈ. હમારે નિરુમા ભી કિરાયે કી ગાડી છોડ દી ઔર રોલ્સ રોયસ મેં બેઠે હૈ ઔર ઉનકી પ્રેઝન્સ તો હૈ હી હૈ. જૈસે કોઈ કમિશનર હોગા, કમિશનર હુઆ તો પહેલે તો કલેક્ટર થા, તો કલેક્ટર ભી થોડે ટાઈમ કે બાદ કમિશનર હોતા હૈ, તો હમે હમારી ઓફિસ મેં સે વો કલેક્ટર નિકલ ચુકે તો ઉસકા દુઃખ લગતા હૈ, પર દુઃખ લગાને જૈસા હૈ હી નહીં, ક્યોંકિ કલેક્ટર આજ કમિશનર હુએ હૈ. હમારે નિરુમા ભી ઇસ દશા મેં જો થે ઉસે બહોત ઊંચી દશા મેં પહોંચે હૈ, ઉસકા આનંદ હમે રખના ચાહીએ, રહેના હી ચાહીએ. ઔર નિરુમા કી જો તીવ્ર ઈચ્છા થી
कि दादाजी की सेवा में पहुंच जाए। इनका जो विरह था, 20-20 साल का विरह, वो उनकी भावना, उन्होंने ये देह छोड़ के दादाजी के पास पहुंच गए, दादाजी की सेवा में भी आ गए हैं। और दादाजी का जो जगत कल्याण का कार्य था, उन्होंने वही कार्य में अभी भी निरुमा हेल्प कर ही रहे, दादाजी की आज्ञा में रह के वही दादाजी का जगत कल्याण का कार्य निरुमा आज भी कर ही रहे हैं। हमारे सारे भरत क्षेत्र का जीवों का कल्याण निरुमा कर ही रहे, दादाजी की आज्ञा में रह के, दादाजी को पूछ पूछ के जो भी जरूरियात वाले संदेश हैं वो निरुमा स्वप्न द्वारा कुछ न कुछ रीत से सभी महात्माओं को देते ही रहते हैं। दादाजी सूक्ष्म रूप से सिमंदर स्वामी के साथ निरंतर अनुसंधान में थे। निरुमा दादाजी के पास पहुंच गए, दादाजी का अनुसंधान निरुमा को है ही है। और हमें भी यही महसूस होता है कि निरुमा का हमारे साथ अनुसंधान अखंड है। निरुमा और दादा और सिमंदर स्वामी एक दूसरे के अनुसंधान हमारे साथ निरंतर रहे ही है। इसके लिए हमें यही अनुभव में आता है, सभी को यही अनुभव में आता है कि निरुमा हमारे से दूर गए ही नहीं, निरुमा हमारे साथ है ही है, निरुमा हाजिर ही है, हमारे साथ ही है, निरंतर हमारे साथ है ही है। तारणहारा के भूलने वांग नारा।